जी तो वंस अगेन वेलकम बैक एट नेशनल स्कॉलर। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे GIST स्कॉलरशिप के बारे में। साउथ कोरिया की ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है फॉर मास्टर एंड PhD स्टूडेंट्स। इसकी सबसे पहले टाइमलाइन देख लेते हैं। अप्लीकेशन डेट्स 25 मार्च से 15 अप्रैल तक हैं। उसके बाद रिव्यू फॉर डॉक्यूमेंट्स 1 जून तक रहेगा। उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट 4 जून को होगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन जून 25 टिल 5 जुलाई, और फॉल सेमेस्टर जो आपका स्टार्ट होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। सो आप फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक साउथ कोरिया में होंगे स्कॉलरशिप पे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। उसके बाद बेनिफिट्स देख लेते हैं स्कॉलरशिप के। ट्यूशन फी कवर करेंगे। उसके बाद अ मंथली स्टाइपेंड 1,40,000 वन पर मंथ फॉर मास्टर, 2,95,000 फॉर PhD। उसके बाद मेल अलाउंस 1 लाख तक, इंटरनेशनल स्टूडेंट अलाउंस 1,20,000, और डॉर्मिटोरी भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके स्पेसिफिक चार्जेस होंगे वो आपने पे करने हैं, ये आगे वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पे आपको दिखा दूंगा। उसके बाद 60% ऑफ नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस इज सपोर्टेड। ये इसके दो टाइप्स हैं, या तो आप ये इंश्योरेंस ले सकते हैं या फिर आप ईयरली बेस्ड अपना कंप्लीट चेकअप करवा सकते हैं। उसके बाद वन वे फ्लाइट टू कोरिया टिकट प्राइस विल बी पेड, वन साइड की आपको टिकट पे की जाएगी। उसके बाद कंडीशंस हैं, कोई स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट एट लीस्ट 9 क्रेडिट आवर्स इन द प्रीवियस सेमेस्टर फॉर द अबव 1 एंड 2। ये 1 एंड 2 ये है जी मंथली स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा, और जो मील अलाउंस मिलेगा उसके लिए आपका 9 क्रेडिट्स आर लेना जरूरी है प्रीवियस सेमेस्टर में। उसके बाद GPA जो आपका 3 से अबव होना चाहिए आउट ऑफ 4.5 इन प्रीवियस सेमेस्टर फॉर अबव 3, ये 3 नंबर के लिए आपका ये क्राइटेरिया मेट करना चाहिए जी। तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेंट्स होल्ड आर एक्सपेक्ट टू होल्ड अ फाइनल डिग्री बिफोर एनरोलमेंट एट GIST। आप या तो डिग्री ले चुके हों या फिर आपको बिफोर एनरोलमेंट इन GIST यूनिवर्सिटी आपको डिग्री मिल जाएगी, फिर आप एलिजिबल हैं इसके लिए। उसके बाद डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट ओनली नोटराइज्ड कॉपी एक्सेप्टेबल टू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये आपने अपने प्रोफेसर की मेल देनी है, उन्होंने डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आपका रिकमेंडेशन इधर सबमिट करवाना है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट रिपोर्ट टफल आइट्स, या फिर एक अदर कंडीशन है आप इंग्लिश प्रोफिशंसी लेटर एज ए कंडीशन कंडीशनल एडमिशन पे टिक करते हुए अभी सबमिट करवा सकते हैं। एंड यू हैव टू प्रोवाइड अबव टेस्ट इन 6 मंथ, ये वाले टेस्ट इनमें से कोई, आप और भी टेस्ट लिखे हुए हैं वो आपको वेबसाइट पे दिखा दूंगा, उन टेस्ट में से एक टेस्ट आपको प्रोवाइड करना होगा फर्स्ट 6 मंथ में। अ कॉपी ऑफ एप्लीकेंट्स पासपोर्ट इज रिक्वायर्ड, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर द मैट्रिकुलेशन फी वाइवर। ये जो मैट्रिकुलेशन फी है ये एक इनरोलमेंट फी है जो कि हर स्टूडेंट पे करता है, चाहे वो स्कॉलरशिप है या नॉन स्कॉलरशिप। ये 6,80,000 साउथ कोरियन वन आपने पे करने हैं, बट इसके भी उन्होंने वाइवर का सिस्टम रखा हुआ है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने लेना है अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी के डीन से या प्रिंसिपल से, अगर वो आपको रिकमेंडेशन दे देते हैं देन आप इधर अप्लाई करके ये फी भी माफ करवा सकते हैं। ये फी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त पे करनी है। सो अभी चलते हैं जी वेबसाइट पे, कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं जी। तो ये GIST की वेबसाइट आ गई, इधर आपने नीचे आ जाना है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट पे आप चेक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इधर डॉर्मिटोरी के सारी डिटेल मेंशन है, क्या चार्जेस हैं हॉस्टल के फॉर सिंगल एंड मैरिड, ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट, उसके बाद मंथली स्टाइपेंड, ये सारा कुछ इधर मेंशन है, आप मजीद डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी हम वापस वेबसाइट पे जाते हैं मेन, ये इधर एडमिशन और ये अप्लाई पे आपने क्लिक कर देना है तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर सबसे पहले आपने अप्लाई साइन अप पे क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का एक पेज ओपन होगा, इसे आपने फिल करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप डायरेक्टली फॉर्म पे चले जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे, ना कि आपको मेल रिसीव होगी उसे आप वेरीफाई करेंगे, इधर ऐसा कोई सीन नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्म में इंटर हो जाएंगे। ये इधर जहाँ पे लिखा हुआ है ना अप्लाई साइन अप, इधर उन्होंने एप्लीकेशन गाइड दी हुई है तो इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सी PDF फाइल ओपन हो जाएगी। इधर सबसे पहले तो उन्होंने स्टेप बताए हुए हैं अप्लाई टू GIST, पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ये इधर लिखा हुआ है जी स्टेप 1 क्या है, अप्लाई फॉर द प्लेस इन द डिजायर्ड प्रोग्राम
उसके बाद स्टेप टू वेट फॉर रिजल्ट, स्टेप थ्री जी एनरोलमेंट, और स्टेप फोर जो है अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीजा। उसके बाद अब नेक्स्ट जो वो फॉर्म फिलिंग की एक एक स्टेप को बहुत ही क्लियरली समझा रहे हैं इधर और साथ साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर आप डिटेल में पढ़ के अच्छे तरह अच्छे तरीके से अप्लाई करना चाहते हो तो इसको ज़रूर एक मरतबा गो थ्रू कर लीजिएगा। ए टू जी उन्होंने सारी डिटेल दी है और एंड पे यहाँ तक कि उन्होंने कैसे आपने बाद में अपना स्टेटस चेक करना है उसकी भी डिटेल उन्होंने प्रोवाइड की है। सो इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ये सारे स्टेटस कैसे चेक करना है सारा कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। सो अभी फॉर्म को देख लेते हैं। ये है जी फॉर्म, कोई एज सच लंबा फॉर्म नहीं है, ये जस्ट आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इधर देनी है। ये जैसे ही आप लॉगिन के लिए फिलअप कर रहे होंगे तो उधर से ये इंपोर्ट कर लेता है डाटा। इधर आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है और बाकी डाटा इसने पीछे से इंपोर्ट किया है। इसे आपने चेक करना है पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड यूजेज एग्रीमेंट। उसके बाद इधर आपने अपनी डिग्री के रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी है। इधर डिपार्टमेंट विच यू विश टू अप्लाई, जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं साउथ कोरिया में वो मेंशन करना है। नेम ऑफ द डिजायर प्रोफेसर प्लेस प्लीज फिल द करेक्ट नेम ऑफ द प्रोफेसर, इफ यू डू नॉट हैव अ डिजायर प्रोफेसर पुट अनडिसाइडेड। ये इधर एक पे मैंने अनडिसाइडेड लिख दिया और दूसरे पे मैंने प्रोफेसर लिखा है। आप इधर मेंशन कर सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट देखें, उधर प्रोफेसर के नेम चेक करें जो आपकी फील्ड को रिलेट करता है, उनके इधर दो नाम मेंशन कर दें। सो उसके बाद नेक्स्ट जी एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन लैंग्वेज, इधर लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कोरियन आपको नहीं आती। उसके बाद जी इंग्लिश लैंग्वेज, आपका जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट था उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। उसके बाद हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट फ्रॉम माई एडवाइजर एप्लीकेंट फॉर मेट्रिकुलेशन फी वाइवर, तो इसे आप चेक करेंगे और इधर आप डिटेल देंगे कि आप क्यों इसको वाइवर करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद जी प्लीज टाइप इंफॉर्मेशन इफ देयर इज डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप इधर मेंशन करेंगे, अदरवाइज इसे एम्प्टी छोड़ दें। उसके बाद रिकमेंडेशन, इधर प्रोफेसर का आपने बायोडाटा इंटर करना है और मेल इंटर करनी है, सो वो ऑटोमेटिकली उनको मेल चली जाएगी। आई वेव द राइट टू सी द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आई एग्री जी। तो इधर आपने अपनी डिग्री के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, इधर आप न्यू पे ऐड करते जाएंगे और इससे आपने फिल कर लेना है। उसके बाद ये नीचे डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद कंप्लीट नेम इंक्लूडिंग एनी फॉर्मर नेम्स, उसके बाद स्टूडेंट आईडी, डेट ऑफ कन्फर्मेंट, डिग्री टाइटल। सो ये चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे, वो आपके इंस्टीट्यूट से इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। इधर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल आपने अपनी यूनिवर्सिटी को विजिट कर लें या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी देखा जा सकता है, बट बेहतर है आप अगर विजिट कर लें, जो करेक्ट नेम और करेक्ट मेल और फोन नंबर उनका वर्किंग में हो वही दीजिएगा। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स की आपने इधर डिटेल देनी है, वन बाई वन ऐड करते जाइएगा। ये जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो एडिट होना शुरू हो जाएगा, उसे आपने ऐड कर लेना है बॉक्सेस को। उसके बाद जी नेक्स्ट आ गया कैरियर के रिलेटेड, आपने कहीं कोई जॉब वगैरह की हुई है तो उसको आपने इधर फिलअप कर लेना है। सर्टिफिकेट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उसे आपने इधर फिल कर लेना है। इधर ये कंडीशनल एडमिशन, इसे आप चेक कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इधर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड करेंगे और बाद में आप उधर जाके 6 महीनों के अंदर टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जी इधर ये स्टडी प्लान एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन नॉलेज ऑफ मेजर फील्ड, ये आप इधर सारा लिखेंगे। उसके बाद द रीज़न फॉर स्टडी इन कोरिया, उसके बाद की अचीवमेंट्स, और नीचे आ गया जी गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्लान। उसके बाद एक्शन प्लान आफ्टर स्टडी, उसमें लाजमी तौर पे कोरिया को छोड़ने का फैसला कीजिएगा। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन जी, तो अभी डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने हैं उनको देख लेते हैं। बीएस की डिग्री, बीएस की ट्रांसक्रिप्ट फॉर मास्टर, और फॉर पीएचडी मास्टर की डिग्री और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट भी आपने अपलोड करनी है। इधर आगे देख लें, एप्लीकेंट्स हु अप्लाई फॉर मास्टर एंड पीएचडी ओनली नोटराइज्ड कॉपी इज एक्सेप्टेबल। सो इधर उन्होंने मेंशन किया हुआ है आपने अपनी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट को नोटराइज्ड करवा लेना है। उसके बाद अभी देख लेते हैं जी ऑफिशियल इंग्लिश टेस्ट स्कोर रिपोर्ट, आपने इधर अपलोड करनी है। ये इधर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कौन कौन से टेस्ट में कितना स्कोर होना चाहिए, आर्ट्स में 6.5 बैंड,
और इसी तरह बाकी का देख लीजिएगा। उसके बाद कॉपी ऑफ पासपोर्ट आपने इधर अपलोड करना है, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बाय योर होम यूनिवर्सिटी, इधर आपने उसे अपलोड करना है। पीछे हमने ऑलरेडी कंडीशनल एडमिशन पे चेक कर दिया हुआ, इधर आप अपलोड कर देंगे तो इसकी जरूरत नहीं रहेगी। इधर उन्होंने इसको कंपल्सरी बीसी लिए नहीं किया हुआ। उसके बाद अब नीचे देख लेते हैं जी, रिकमेंडेशन लेटर फॉर मैट्रिकुलेशन फी वाइवर, इसे आपने इधर अपलोड करना है या यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों सर्टिफिकेट, इंग्लिश सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन रिकमेंडेशन, ये दोनों मैंने इधर डाउनलोड किए हुए हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसे आपने फिल करवाना है। इसी तरह इसको आपने रिकमेंडेशन लेटर फॉर मैट्रिकुलेशन फी वाइवर के लिए फिल करवाना है, अपने डीन से या किसी भी प्रिंसिपल या कोई हायर अथॉरिटी से आपने फिल करवाना है। ये कहाँ से डाउनलोड होंगे, ये आगे लिखा हुआ है पीडीएफ और वर्ड फाइल, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद जी एडिशनल रेफरेंसेस अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो कीजिएगा। द फर्स्ट पेज ऑफ रिसर्च पेपर सीवी ईटीसी, उनको भी आप अपलोड कर सकते हैं। टू रिकमेंडेशन लेटर, इधर उन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ कि अपलोड करने हैं क्योंकि ये सबमिशन हमारी मेल के थ्रू हो जाएगी। उसके बाद आई एग्री के बाद आप सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जी ये था कंप्लीट प्रोसीजर GIST की स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।